अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। दो मीडियम साइज़ बैंगन है, ये जिंजर गार्लिक दोनों भी चॉप कर लिए बारीक बारीक, ये ग्रीन चिल्ली भी चॉप कर लिए, ये कोरिएंडर भी चॉप कर लिए। ये ऑयल है 1 कप, ये ऑनियन चॉप करके रख ली मैं 2 मीडियम साइज़, ये 2 मीडियम साइज़ टमाटर चॉप करके रख ली मैं, और ये है रेड चिल्ली, टर्मरिक, साल्ट, साल्ट आपके हिसाब से मिला लें इसमें। अब आप देख सकते हैं ये बैंगन, बैंगन को मैं ऐसा ऐसा निशाना लगा के इसके ऊपर ऑयल लगा लेती हूँ। दोनों भी साइड ऐसे कर लिया, तो ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाता। इसके ऊपर ऑयल लगा लेती मैं, आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगा ली, दोनों साइड भी लगा ली, ये दो दो बैंगन को भी अच्छी तरीके से ऑयल लगा ली। ऐसा एक कौन सा भी आपके पास जो घर में आपके पास है ऐसा स्टैंड रख ले, इसके ऊपर बैंगन ऐसा हाई फ्लेम पे ऐसा फिराते जाए, दोनों साइड भी फिराते जाए ताकि अच्छी तरीके से बैंगन पक जाए। बैंगन को जलाना नहीं है, अच्छा उसमें अच्छा उसका उसका ये जो उसका स्किन है ये ब्राउन पूरा अच्छा पक जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये दो भी अच्छी तरीके से ये दो भी अच्छी तरीके से पक रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बैंगन अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसमें ये बॉल में एक ठंडा पानी लेके, इसमें फ्रिज का पानी लेके इसमें ये बैंगन रख दिए। अब इसके बाद हम इसका मसाला ऐड करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। आपके पास जो है, मेरे पास ये कढ़ाई है तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो है वो इस्तेमाल करिए। इसके बाद मैं स्लो फ्लेम को हाई रख ली। अब ये 1 कप ऑयल है, इसमें ऐड कर लूँगी मैं। इसके बाद ये चॉप करी हुई प्याज है, इसमें मैं ये ऐड कर लूँगी, इसको लाइट ब्राउन होने तक रखिए। इसमें ऐड करेंगे हम ये गार्लिक, ये जिंजर, ये बारीक चॉप करे हुए हैं, इसके बाद ये ग्रीन चिली, ये चुप लाइट थोड़े ब्राउन हो जाता, इसके बाद आगे के मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद ये हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, ये है साल्ट, ये टर्मरिक, हल्दी, ये रेड चिली, इसको ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसमें ऐड करेंगे हम ये चॉप करे हुए टमाटोस, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। टमाटे सॉफ्ट हुए तक इसको अच्छी तरीके से भूनते जाइए। अब आप देख सकते हैं ये मैश करे हुए बैगन, इसको ठंडे पानी में छील के मैं इसका ये पूरा मसाला मिक्स ये चॉप कर ली बारीक बारीक, इसको पूरा अलग अलग कर दी मैं इसको बैगन के। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम कोरिएंडर, ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसके बाद हम डिश आउट करेंगे। देखिए इसमें बाजू से तेल भी छूट चुका है, ये तकरीबन पक चुका है। अब इसके बाद हम डिश आउट करके आपको बताएंगे। ये आपका बन चुका है बैंगन का भरता। आप इसके साथ रोटी के साथ खाइए, ज्वारी की रोटी के साथ खाइए, कैसा खाते हैं आपकी मर्जी। दिखने में तो ज़बरदस्त दिख रहा है।